जहां बिराजे शीश का ताने। एक भक्त भगवान से कह रहा है, जहां बिराजे शीश का ताने मेरा बाबा श्याम, दीवाने मुझे ले चल, दीवाने मुझे ले चल, एक बार फिर से, दीवाने मुझे ले चल, एक बार फिर से, दीवाने मुझे ले चल। अब वही हाथ उठाना जो खाटू जाना चाहते, पुकार तो लगवा दी मैंने, अब बुलावा अगर चाहिए तो दोनों हाथ उठा लो, आओ जरा मिलकर कहना, दीवाने मुझे, दीवाने मुझे, दीवाने मुझे ले चल खाटू, दीवाने मुझे ले चल।
बजा लेना, अगर हाजरी नहीं लगाओ तो ताली बजाओ। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे, बोलो ना, अरे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो प्यारो सो नंदा सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, सकीरी मेरो है पर
राधा रानी, ये भोली भाली हम सबकी प्यारी, ये राज दुलारी, ये लड्डो रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। उनके सबके काम बने, क्योंकि सब मिलकर कहेंगे एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान, मैं तेरा मानूंगा एहसान। और
और जिस जिसके जीवन में भी संकट है दोनों हाथ उठा लो। जो दुनिया से हार कर इसके दरबार में आए हैं वो कह दो बाबा हार चुका, अब दोनों हाथ उठा लिए, तू जान तेरा काम जाने। मिलकर कहना संकट हमारा कैसे कटेगा, संकट हमारा कैसे कटेगा, तुम्हें ना सुनो सुनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। अब वही हाथ उठाना जिसे बाबा की जरूरत है, जो परेशान है, जिसे विश्वास है। एक दो तीन चलो, हारे के सहारे की श्री राम। मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अब आपकी बारी, परेशानी है तो गाना। पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, बोला पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी। और बाबा अरे अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान मैं तेरा, मानूंगा एहसान। साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुने, सुनोगे तो कौन सुनी। जय जय सुना है जितने बैठे इस दरबार में। द्वापर युग में जब महाभारत हो रही थी, एक तरफ कौरव 100 भाई, पूरी नारायणी सेना, अष्ट शस्त्र सब उनके पास थे, एक तरफ पांडव खाली 5 भाई और उनके साथ स्वयं श्री कृष्ण। जब महाभारत के समय द्रौपदी का पूरी सभा के सामने चीर हरण हो रहा था, ध्यान से सुनिएगा, तो द्रौपदी ने उस सभा में हरेक के सामने जाकर गुहार लगाई
कि मेरी लाज बचा लो, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। वो रोती रही, चिल्लाती रही। हार कर जब द्रौपदी ने अपनी साड़ी अपने दोनों हाथों से पकड़ ली और गोविंद को आवाज लगाई, गोविंद मेरी लाज बचाने आजा। ध्यान से सुनिएगा, बाबा उस समय नहीं आए, श्री कृष्ण उस समय नहीं आए। क्यों? क्योंकि द्रौपदी को अपने दोनों हाथों पर बड़ा विश्वास था कि जब तक दोनों हाथों से साड़ी पकड़ी है, दुर्योधन दुशासन साड़ी नहीं खींच पाएंगे। लेकिन जब उसका विश्वास डगमगाने लगा, साड़ी खींचने लगी, द्रौपदी ने एक हाथ उठा दिया, एक हाथ से साड़ी को पकड़ लिया, फिर कहा गोविंद मेरी लाज बचाने आ जा। फिर भी बाबा नहीं आए क्योंकि द्रौपदी को एक हाथ पर विश्वास था। और आखिरी में हार गई द्रौपदी, दोनों हाथ उठा दिए, कह दिया बाबा अब तू जान, मैंने मेरे दोनों हाथ उठा दिए, अब तू जाने और तेरा काम जाने। बाबा उसकी लाज बचाने आए थे। आज कलयुग में बैठे हो, दोनों हाथ उठा दो। अगर बुलाना चाहते हो बाबा, जो जो हार कर बुला रहा है उसके लिए आना। सारे मिलकर कहेंगे क्या, मेरा दुनिया सारी हटुआले की आएगा तब देखेगी ये दुनिया सारी हटुआले की दातारी। शाम ना रुक पाएगा मेरा हाँ सांवरिया आएगा, ओ मेरा सांवरिया। जब तक सांसें चलेगी